हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो कल से हलचल हो रहा था कि एसएससी एमटीएस का आंसर की आने वाला है। उससे पहले रात भर बहुत बारिश हुआ और मौसम भी सुहाना हो गया था और ठंड भी वैसे ही बढ़ गया था। तो आज है 28 जून और आज 4 बजे एसएससी एमटीएस का आंसर की आएगा। तो उससे पहले तो मेरे को बहुत डर लग रहा था, तो मैंने अपना टेबल सब कुछ मतलब काम कम्प्लीट कर लिया था ताकि शाम को आराम से बैठ के अपना आंसर की चेक करूँ कहाँ गलती है कहाँ सही है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक शेयर एंड कॉमेंट। मेरा सुबह का शुरुआत तो होता है घर का सारा काम करने से, बेड सरियाने से, क्योंकि पापा भी बाहर गए हैं वॉकिंग करने के लिए। उनके आने से पहले मैं घर साफ़ कर देती हूँ। उसके बाद मेरे को बेडशीट लगाना था न्यू, तो मैंने बेडशीट लगा लिया। वही बेडशीट मैं देख रही होती हूँ, उसके बाद मेरे को खाली दीवार दिखती है। तो उसके बाद मैं सोचती हूँ कि इसको मैं मैप मेरे को लगाना है, क्योंकि पहले मैंने बहुत सारा मैप लगाया था, वो तूफ़ान आने की वजह से हट गया। तो वही मैं देख रही होती, तो फिर मेरे को कुछ याद आया कि मैंने अपने बेस्ट फ्रेंड से मिला नहीं अब तक। चलो मैं अभी आपको अपना बेस्ट फ्रेंड दिखाती हूँ। ये है मेरा बेस्ट फ्रेंड, मेरा झाड़ू, क्योंकि मेरे को अभी झाड़ू लगाना है घर पूरा, 2 रूम एक हॉल। उसके बाद मैं पढ़ने बैठी। पढ़ने के लिए फर्स्ट मेरा स्टार्ट होता है न्यूज़पेपर से। वही मैं न्यूज़पेपर पढ़ती तो नहीं, क्योंकि यहाँ पे न्यूज़पेपर मिलता नहीं है, द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस रोज़ यहाँ पे न्यूज़पेपर नहीं आते। इसलिए मैं दीपक यादव एजुकेशन चैनल से ही न्यूज़ देखती हूँ, वहाँ से मेरे को समझ जल्दी आता है। मैं 2021 जनवरी से फॉलो कर रही हूँ। तो आज मैं नोट्स में मैंने बनाया है गार्जियन सिस्टम जो नासा ने डेवलप किया है। उसके बाद न्यूज़ में था सेडिशन लॉ, देन लॉ कमीशन, वो सबका मैंने नोट्स बना लिया अच्छे से। और मैं डायग्राम भी इंक्लूड कर देती हूँ डायरी में। अभी मैं न्यू यूपीएससी का तैयारी स्टार्ट करूँगी, नया फेस अपना, क्योंकि 3 तरीक़े से मैंने तैयारी किया था। तो उस हिसाब से मैं अभी इंटरनेशनल रिलेशन का कंट्री के साथ नोट्स नहीं बना रही हूँ यूपीएससी का, वो मैं न्यू बनाऊँगी तो मैं आपको शेयर कर दूँगी। उसके बाद मैंने जीओ का अपना फाइनल प्रैक्टिकल शीट कंप्लीट किया, क्योंकि मेरा कॉलेज में मेरा को सबसे ख़राब लगता है जियोग्राफी प्रैक्टिकल ऊपर से। वही मेरा कॉलेज में है इस बार सेमेस्टर 2 में इलेक्ट्रिक सब्जेक्ट इलेक्टिव, तो इसीलिए मेरे को करना है कंप्लीट। एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम देने का तो मेरा मेन रीज़न तो यही है, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग इस बार क्वालिफाई कर दिया है, और जीके और इंग्लिश मेरा अच्छा है, वही चीज़ के ऊपर मेरिट बनेगा। देखते हैं शाम को क्या होता है, कितना मेरा आता है मार्क्स। मेरे को इंग्लिश में प्रॉब्लम है थोड़ा सा, वो कैब में, क्योंकि सब याद करने से मतलब खिचड़ी टाइप का बन जाता है। और जीके तो मेरा बचपन से ठीक है, अच्छा है। और रीजनिंग और मैथ्स तो ख़राब ही है मेरा, रीजनिंग मेरा ठीक ठाक है एवरेज। MTS का रिज़ल्ट आने में मीन्स स्कोर आंसर की आने में बहुत टाइम लग रहा था। तो सबसे पहले मैं अपना घर का काम कंप्लीट की, क्योंकि मम्मी का भी हेल्प करना पड़ता है, तो बर्तन धोया। उसके बाद और शाम को झाड़ू लगाना, बेड सजाना, सब कुछ मैंने किया। फिर ये पैर थोड़ा मतलब बेंड हो गया तो उसको सीधा किया मैंने। और उसके बाद प्लांट्स में पानी दिया। अच्छा मौसम था तो मैंने सोचा कि चाय बना लेती हूँ, उसके बाद ही जाके अपना आंसर की चेक करूँगी। और खाली बोतल तो भरना मेरा ड्यूटी ही है जैसे, क्योंकि मेरे छोटे भाई बहन तो कोई काम करते नहीं, घर में बड़ी मैं हूँ तो सब मेरे को ही संभालना पड़ता है। मिल्क टी मेरे को अच्छा नहीं लगता, मेरे को एलर्जी है मिल्क से, दैट्स वाई मैं तो यही वाला चाय पीती हूँ। और एवरीवन, एसएससी एमटीएस का आंसर किया गया और मेरा रॉ स्कोर बना 86, कट करके नेगेटिव मार्किंग। बाकी मैं अपना नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से बताऊंगी कहाँ गलत हुआ और कहाँ सही। बाय।